ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में हारी हुई बाजी को पलटकर जीत अपने नाम कर ली। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट से जीत दर्ज कर ली है। मुकाबले में पहले बैटिंग कर पाकिस्तान ने 48.5 ओवरों में 179 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। फिर लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 5 गेंद और सिर्फ 1 विकेट रहते हुए जीत अपने खाते में डाल दी है। सेमीफाइनल में जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ फाइनल खेलने का टिकट कटवा लिया है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी मुकाबला 11 फरवरी यानी रविवार को खेला जाएगा। भारत ने पहले सेमीफाइनल में दक्षिणी अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। बेनिनुई के विलोमर पार्क में खेला गया मुकाबला बड़ा ही रोमांचक रहा, जहां मुकाबले में पहले बैटिंग कर पाकिस्तान सिर्फ 179 रनों पर ही सिमट गई थी। फिर लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने दिलचस्प जीत अपने नाम कर ली। लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की जीत बड़ी ही आसान नजर आ रही थी, लेकिन अंत में आगे बढ़ने के साथ पाकिस्तान ने शिकंजा कसना शुरू किया, लेकिन अंत में ऑस्ट्रेलिया ने सूझबूझ से जीत अपने नाम कर ली है। राफ मैकबेलर ने अंत में शानदार पारी खेलते हुए 29 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 19 रन बनाए। वहीं 180 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को ठीक ठाक शुरुआत मिली। ओपनिंग में उतरे हैरी डिक्सन और सैम क्विंटास ने पहले विकेट के लिए 33 रनों की सरदारी की। टीम को पहला झटका 11वें ओवर में सैम क्विंटास के रूप में लगा, जो 3 चौकों की मदद से 33 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए उतरे कप्तान ह्यूंग वेबगेन ने 14वें ओवर में 12 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद टीम का विकेट रनआउट के जरिए गिरा। जी हां, नंबर 4 पर उतरते ही हरजिंग सिंह 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर रनआउट हो गए। 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर हरजन रनआउट हुए और फिर 17वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर अपनी पारी की पहली ही गेंद खेल रहे रियान हिंगस को जावेद शाह ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 5वां विकेट अच्छी बैटिंग कर रहे हैरी डिक्सन के रूप में खोया। हैरी डिक्सन ने 75 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 50 रनों की सदी हुई पारी खेली। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 26.3 ओवरों में 102 रनों के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे। फिर टीम ने 6ठा विकेट टॉम कैम्बेल के रूप में खोया। कैम्बेल ने 42 गेंदों पर 2 चौके लगाकर 25 रनों का स्कोर खड़ा किए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का 7वां झटका अच्छी पारी खेल रहे ओलिवर पिक के रूप में लगा। ओलिवर पिक को अलीन रजा ने चलता किया, जिन्होंने 75 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 49 रन बनाए। फिर 8वां विकेट ऑस्ट्रेलिया ने टॉम स्कूटर के रूप में खोया, जी हाँ, जो सिर्फ 3 रन ही बना सके। इसके बाद 46वें ओवर में उन्होंने महले वेडमैन के रूप में अपना 9 विकेट गंवाया। महले वेडमैन को अली रजा ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन इसके बाद रॉफ मैकमिलर ने नाबाद रहते हुए 19 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उनका साथ कैनल वेडलर निभाया, जिन्होंने 9 गेंदों पर 2 रन बनाकर नाबाद रहे। पाकिस्तान के लिए अली रजा ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने 10 ओवरों में 34 रन खर्च किए। इसके अलावा राफल मिनहांस ने 2 विकेट झटके। उन्होंने इस दौरान 10 ओवरों में सिर्फ 20 रन ही खर्च किए। बाकी नवीन अहमद खान और उबेद शाह को एक एक सफलताएं मिली। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला 11 फरवरी यानी रविवार को खेला जाने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या 6ठी बार भारतीय टीम अंडर 19 विश्व कप को जीतकर अपने हम वतन ला पाएगी? क्या आपको क्या लग रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।